को कब नहीं लगेगा कूलम्स लॉ एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन ये है कि आप इसको एक्सटेंडेड चार्जेस पे नहीं लगाना. एक्सटेंडेड चार्जेस पे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं. एक्सटेंडेड चार्ज समझ रहे हो? जैसे मान लो यहां पे हमने एक बॉडी ले ली, यहां पे हमने एक बॉडी ले ली, पॉइंट चार्ज ना हो, है ना. यहाँ पे चार्ज झुम 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 झुम, यहाँ पे चार्ज झुम 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 झुम. ऐसे है, दो बड़े बड़े चार्जेस बगल बगल रखे हैं तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते. इट इज वैलिड ओनली ऑन, इट इज वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस. वैलिड ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस. दूसरा लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ चार्ज एट रेस्ट पे लगाया जाता है, बट इसको कई लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं. समझो, कूलम्स लॉ कब वैलिड है? जब बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट, तब ये लॉ लगा सकते हैं. इफ बोथ चार्जेस आर इन मोशन, तब आप ये लॉ नहीं लगा सकते. ठीक है, यहां तक सब सही पढ़ रहे हैं कि अगर दोनों चार्जेस Q1 Q2 स्टैटिक है, रुके हुए हैं, तब तो कूलम्स लॉ वैलिड है. दोनों चार्जेस Q1 Q2 मोशन में है तब कूलम्स लॉ नहीं वैलिड है. पर एक चार्ज मोशन में हो और एक चार्ज रेस्ट में हो तब क्या होगा? एक चार्ज मोशन में, एक चार्ज रेस्ट में, तब कूलम्स लॉ वैलिड है. यानी कूलम्स लॉ सिर्फ तब नहीं वैलिड है जब दोनों के दोनों चार्ज चलने लगे, चाहे कांस्टेंट स्पीड से चले, चाहे वेरिएबल स्पीड से चले, चाहे एक्सेलरेशन से चले, जैसे भी, उससे मतलब नहीं है. अगर दोनों चार्ज मूव करने लगे